हम डॉक्टर नीला खौरी हैं, प्रियंका चोपड़ा की मासी। हम काशी अमरनाथ सिनेमा के को प्रोड्यूसर बानी। ये बहुत अच्छा फिल्म है, स्टोरी बहुत ही अच्छा है। तो आज हमारे मुहूर्त के दिन पहला शूट है हमारा। इसमें मैं सब कोई को एक्टर्स दिनेश लाल, आम्रपाली, सपना गिल, सुशील सिंह वगैरह जितने हैं सबको बधाई देना चाहूँगी कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं प्रियंका, मेरी बहन मधु चोपड़ा और नेहा सांडलिया को भी बेस्ट ऑफ लक और कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये हिम्मत किया एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाने की। ये फिल्म बहुत अलग तरीके की है और बहुत अच्छी बनेगी। सबसे बड़ी बात तो प्रियंका जी ने ये चीज़ सोचा है कि एक पिक्चर बनाने के बाद बम बम बोल रहा है काशी, और उन्होंने फिर दोबारा इस चीज़ को सोचा कि हम फिर एक पिक्चर प्रोड्यूस करने जाएं, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, खासकर हमारे उत्तर भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके लिए मैं प्रियंका जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी और उनका अभिनंदन करूँगी। और हमारे जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, संतोष मिश्रा जी, वो एक बहुत ही सफल डायरेक्टर हैं। हमेशा उन्होंने भोजपुरी, एक सफल भोजपुरी पिक्चर को उन्होंने डायरेक्ट किया हमेशा, और सफल फिल्में दी हैं। और आम्रपाली जी, किशन जी को, सबको, प्रेम किशन जी को, सबको और पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट कि जैसे हम प्रियंका जी को प्रूव करें कि पहला जैसा काम हमने उनको उस पिक्चर में दी थी, यहाँ भी देंगे। और हम उत्तर भारतीयों को एक हम गर्व, हमारा हम प्राइड कर सके कि हम उत्तर भारतीय भी, वी कैन डू समथिंग। भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा हुआ है, भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके आने के बाद एक नया मकाम हासिल, भोजपुरी इंडस्ट्री को नया मकाम हासिल होगा। प्रियंका चोपड़ा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमारे सारे पत्रकार बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले वर्षों में आप लोग भी बहुत बढ़िया करें, आगे अच्छा करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, बात कर रहे सेंसर बोर्ड में आप हैं, तो जो भोजपुरी फिल्म आप लोग देखते हैं, सेंसर के लिए प्रमाण पत्र देते हैं? मेरे पास तो मतलब इतनी वेलगैरिटी आए तो मैं शायद कभी अप्रूवल दूंगी भी नहीं। और जब मैं पिक्चर देखती रहती हूँ, वहाँ जो हमारे और कोई मराठी भाई या कोई बैठे होते हैं तो एक अजीब सी स्माइल देते हैं ना, तो बड़ी मतलब वो एक मिस्टीरियस मुस्कान जब वो देते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। हम अपनी पुरानी पिक्चरों को, विदेशिया ले लो, लागी नाई छूटे राम ले लो, गंगा मैया तो है पेरी चढ़े, क्यों ये सब ब्लॉकबस्टर फिल्में थी, क्यों आप लोग ये चीप चीज़ें डाल के जो हमारे उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश करें या कुछ ऐसा हो। पिक्चर, मैं बस रिक्वेस्ट करूँगी कि पिक्चर बेचने के लिए प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ भी मत कीजिए, अच्छी पिक्चर बनाइए, हमेशा अच्छी पिक्चर चली है। अरे आमिर खान को आप देखते हो साल में एक बार बनाते हैं, लेकिन अभी दंगल देखो क्या है उसमें। तो ऐसा कुछ कोशिश करो, इतना जल्दी हिम्मत हार के नहीं, हमको बेचने के लिए कुछ करना नहीं। और देखिए हमेशा पिक्चर अच्छी जाएगी और ब्लॉकबस्टर रहेगी और खूब कम, मतलब जो भाई सोचते हैं कमाई का तो खूब कमाई होगी। अभी मतलब कुछ सालों में कुछ फिल्में बन रही हैं, जैसे दिनेश लाल जी की, और भी या आप रवि किशन जी की बात करें, कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कि पारिवारिक फिल्में बनी हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पारिवारिक फिल्में बननी चाहिए और बनी है, जो बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारे, आपको मैं तो जहाँ तक देती हूँ, उत्तर भारतीय जो बेचारे परिवार से ही तो थिएटर में जाना, उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है कि परिवार को लेके हम कैसे पिक्चर देखने जाएं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करिए, बहुत ही एक बार मेरा बस चले तो मैं तो लागी नहीं छूटे राम का मैं खुद रिमेक करूँ और बोलूँ कि, और लोगों को प्रूव दूँ कि देखो पिक्चर चलेगी और कितना, और लोग पसंद करेंगे, मांगते हैं लोग, हमारे उत्तर भारतीय भी परिवार से ही पिक्चर देखना चाहते हैं लेकिन नहीं देख पाते हैं। हम उम्मीद करते हैं आगे ऐसे ही पिक्चर्स बनती जाएंगी और अच्छे से अच्छे आप लोग नए मील के पत्थर गाड़ते जाएंगे। जैसे आपकी मूवी थी मुकामा 0 किलोमीटर, तो एक समय ऐसा आएगा कि बॉलीवुड 0 किलोमीटर है, देन भोजपुरी इज़ लाइक 0 किलोमीटर। तो बहुत सारी शुभकामनाएं संतोष मिश्रा जी को और आप सभी लोगों को कि उन लोग इतना बढ़िया सराहनीय कदम इसमें रख रहे हैं, हमारी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। मैं पहले एक बात बता दूं, इसका नाम पहले काशी विश्वनाथ ही रखा गया था, लेकिन टाइटल न मिलने की वजह से काशी अमरनाथ रख दिया गया। और ये उनकी दूसरी फिल्म है, जब प्रियंका जी ने पहली फिल्म बनाई तो बहुत से लोगों ने ये कयास लगाया कि वो दूसरी भोजपुरी फिल्म नहीं बनाएंगी, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो दूसरी फिल्म बनाने जा रही हैं, जिसकी शूटिंग आज से यहाँ पर शुरू हुई है। और बम बम को देखने से पहले ही बहुत लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी थी, लेकिन सभी आलोचकों का मुंह बंद हुआ जब फिल्म प्रदर्शित हुई,
और दर्शकों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो इस बार संतोष मिश्रा जी जो हमारे लेखक निर्देशक हैं वो एक बिल्कुल नई कहानी लेकर आ रहे हैं आपके सामने, और प्रियंका जी, मधु चोपड़ा जी, रविशंकर जायसवाल, इन सब का बहुत आभारी हूँ कि इस बार मुझे भी इस फिल्म में कास्ट किया गया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मैं निभा रहा हूँ इस फिल्म में। और इस फिल्म के सभी कलाकारों को, फिल्म से जुड़े सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रियंका मैम और मधु मैम, उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैंने इसीलिए हाँ बोल दिया। ये आपकी पहली भोजपुरी? जी, ये मेरी पहली भोजपुरी पिक्चर है। तो क्या आपने प्रिपरेशन किया, क्या तैयारी की आपने किरदार निभाने के लिए? देखिए, आप अगर कहेंगे कि अगर पंजाबी, मतलब आई एम पंजाबी, ठीक है, तो टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर। कैरेक्टर इट्स माय लाइक सेकंड लीड कैरेक्टर है, तो सेकंड लीड है और मैं पंजाबी हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत टफ है भोजपुरी बोलना। तो अभी मैंने खुद ने ही इस मूवी के लिए हाँ किया है, बिकॉज पीसी बैनर, दैट्स व्हाई मैंने उनके लिए हाँ किया। और मधु मैम को थैंक यू बोलती हूँ बहुत सारा, क्योंकि उन्होंने मुझे लाइक इस काबिल समझा कि मैं ये मूवी कर सकती हूँ। और प्रियंका मैम को भी बहुत थैंक यू, ऑफकोर्स डायरेक्टर है संतोष सर, रवि सर, सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये मूवी कर रही हूँ। जहाँ पे दिनेश लाल निरहुआ जी, रवि किशन जी हैं, दो हीरो हैं, तो क्या उनके सामने आप स्क्रीन शेयर करेंगी, तो कितना एक्साइटेड है, कितना नर्वस है? नहीं, नर्वस तो नहीं हूँ, ऑफकोर्स पहले भी मूवीज कर चुकी हूँ तो नर्वस नहीं हूँ। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, मैं तो उनके लिए न्यू ही हूँ, वो लोग बहुत काम कर चुके हैं, नया एक्सपीरियंस मिलेगा काम करने का, तो बस यही है। इस बार पहले से ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि जितना बड़ा सफलता पिछली फिल्म को मिला है और एक जिम्मेवारी कंपनी की तरफ से मुझे मिला है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, पूरा टीम ये कोशिश कर रही है कि हम पहले से बहुत बेहतर सिनेमा बनाएं। और विश्वनाथ जी को हमने अमरनाथ बनाया क्योंकि वो एक उनका लुक उसी टाइप से बेटर मैच करता है। और जब पहली फिल्म ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पर, काफ़ी हिट रही थी बम्बू बोला है काशी, उसके बाद दूसरी फिल्म बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है हमारी मैडम, एक कामयाबी को आगे बरकरार रखना या उससे बड़ा बेंचमार्क साबित करना, तो ये किस चीज़ें किस तरह की चीज़ें वर्कआउट हो पाई या बड़ी चीज़ के लिए बड़ी प्लानिंग? बड़ी प्लानिंग भी है, कहानी बहुत विस्तार से बनाया गया है, प्रोडक्शन भी बहुत लार्ज होगा, स्केल लार्ज होगा, और इतने दिग्गज दोनों एक्टर्स हैं तो बड़ी फिल्म ही बनेगी, अच्छी बनेगी, ये तो मैं गारंटी देती हूँ, और आपको पसंद आएगा ये आप हमको बताएंगे। मैम, प्रियंका जी का बहुत तबियत खराब आई है, तो कुछ बताइए मीडिया में रिगार्डिंग अ फैन। हाँ, चोट तो आई थी उनको थर्सडे को, पर बेटर रहेंगे। हॉस्पिटल से? नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं गई थी, खाली MRI हुआ उनके, पर ठीक है। रिपोर्ट सब नॉर्मल है? हाँ, सब नॉर्मल, एवरीथिंग ऑल राइट। और मैम, जैसे कि दीपिका ने भी हॉलीवुड में किया है, सेलेक्ट आई थी, बीन डीजल भी आए थे यहाँ पे, तो आप चाहेंगे कि प्रियंका मैम भी अपने पोस्टर के साथ बॉम्बे में आके इस तरह से मीडिया से बात करें पूरी तरह? ये तो स्टूडियोज डिसाइड करते हैं कि क्या होना, क्या उनका प्रमोशन प्लान होता, मैं उनके बारे तो नहीं कह सकती हूँ, आप मुझसे काशी अमरनाथ की पूछें तो मैं ज़रूर बता सकती हूँ। मैम, जैसे कि कॉपी जो करंट शो है वहाँ पे प्रियंका मैम अकेली आई, तो आप चाहेंगी कि प्रियंका मैम आने वाले साल में पार्टनर्स उनके साथ रहे? अकेले आई थी मतलब? अब कॉपी के करण में अकेले, वो अकेले काफ़ी नहीं है, चार के बराबर है वो। मैम, लेकिन आने वाले मैम, बात करें बम बम बोल रहा है काशी के बाद अब काशी अमरनाथ, किस तरह की मूवी होगी, पब्लिक को एक अलग एक्साइटमेंट है? हाँ, इसमें दो दिग्गज हैं, महारथी दोनों हैं, हमारी दोनों एक्ट्रेस भी, सबको एक किरदार बहुत वेल डिफाइंड, वेल एच्ड है, और जिस किस्म का हमारे पूर्व में जैसा होता है, ज़मीन को लेकर, आन को लेके, बान को लेके, मेरारू को लेके, वही कहानी है इसके अंदर, तनातनी खूब है, ड्रामा खूब है, रोमांस भी है, अच्छे गाने हैं, पर गाना ऐसा कोई नहीं है जो आपके स्टोरी से हटके या ज़बरदस्ती डाला हुआ हो, सब स्टोरी को सामने से आगे से लेता हुआ जाएगा, हमारे गाने म्यूज़िक जो है, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। काशी बम बम बोल रहा है काशी से मेरे ख्याल दो चार नगू पर ही रहेगा।
जैसे कि मम्मी और काशी में भी गांव से शहर तक का पड़ाव था, और गांव और शहर से, इसमें गांव दिखेगा या शहर, या दोनों दिखेगा? बिल्कुल भी गांव नहीं है, पर पिछड़ी हुई जगह है, और एकदम जैसे रांची पट्टा जैसा शहर भी नहीं है, शहर के बाहर का, और एकदम गांव देहात जैसा भी नहीं है। मैम, इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ करने वाले हैं? कुछ तो आप आज यहाँ देख ही रहे हैं, कुछ यहाँ बॉम्बे में होगा, और कुछ जहाँ तक तो हो सके बिहार, यूपी, झारखंड। आपके शहर रांची में भी करने वाले हैं? आई होप सो, संतोष जी से तो मैं कह रही हूँ। तो खास वजह क्या होगी रांची में शूटिंग करने की? झारखंड सरकार भी अभी सब्सिडी भी दे रही है। सब्सिडी नहीं, वहाँ सब लोग अपने हैं, सबको जानते हैं, सहूलियत भी पूरा रहेगा, और बहुत सुंदर जगह है वैसे भी देखी जाए तो। झारखंड का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अभी तक टैप नहीं किया गया है, जो हम अपनी इस फिल्म में टैप करना चाहते हैं। उस बार मैम एक और सवाल है कि बम्बम और काशी में प्रियंका जी का एक पिक्स दिखा था, पोस्टर दिखा था, इसमें क्या प्रियंका मैम कहीं ना कहीं नजर आने वाली गेस्ट में? अब ये तो आप संतोष जी से पूछिए, वो कहाँ पर उनको फिट कर। मैं तो संतोष जी के काम से वैसे ही बहुत सेटिस्फाइड रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे राइटर हैं, और एक राइटर दूसरे राइटर का तो बुराई कर नहीं सकता। लेकिन संतोष जी ने वाकई सुपरहिट फिल्में लिखी हैं, पहले की सारी फिल्में एज ए डायरेक्टर उनकी बड़ी हिट रही है, तो यहाँ पर भी आके मुझे ये लगा कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और हम एक अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं संतोष जी को और पूरी टीम को बेसिकली बधाई देना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हो और भोजपुरी इंडस्ट्री को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। देखिए, जिम्मेदारियां तो बढ़ती ही जाएंगी जब आप बेहतर काम करना चालू करते हैं, और इसके पहले अगर कोई भी बड़ा काम होता है तो विवाद जाहिर से बात है कि होता ही है, उसको भी अच्छे तरह से करके निकल गए थे, और उससे बड़ा जिम्मेवारी दूसरी बार भरोसा करना कंपनी का, पीसी मैम का, मधु मैम का ना, और पूरी टीम जो हमारी फिर लगन से काम कर रही है, और पिछले से बहुत बेहतर करेंगे हम लोग ना, सबका सहयोग हमारे साथ रहेगा।